गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक कॉस्ट ऑफ डेट को डिस्कस करके विथ इलस्ट्रेशन समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट को केडी से डिनोट करते हैं। ओके, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स डेब्ट कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एटसेट्रा। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें डेब्ट पार्ट भी होता है। डेब्ट मीन्स डिवेंचर या लोन फ्रॉम बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो डेब्ट होता है उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट बोलते हैं। अगर आप किसी से लोन या बॉन्ड किसी को इशू करते हो या किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो उस लोन के अगेंस्ट में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो जो डेब्ट लिया गया, जो लोन लिया गया, उस लोन के अगेंस्ट में जो कुछ भी पे करेंगे इंटरेस्ट के नाम से, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट देखिए दो प्रकार का होता है, एक इरिडीमेबल। तो कॉस्ट ऑफ डेट, अगर डेट इरिडीमेबल है तो केडी होगा आई, आई फॉर इंटरेस्ट, वन माइनस टी। टी यहां पे कॉरपोरेट टैक्स रेट है, कंपनी का इनकम टैक्स का रेट है। एनपी नेट प्रोसीड्स, अगर हम लोग डिवेंचर या बॉन्ड इशू करके हम लोग लोन लेते हैं तो वहां नेट प्रोसीड पर इफेक्ट पड़ता है। इशू एट पार में 100, प्रीमियम में बेसी, डिस्काउंट में कम, और यहां तक कि फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट में सिंपल फॉर्मूला केडी आई वन माइनस टी। लेकिन अगर रिडीमेबल डेब्ट हो तो फॉर्मूला में चेंजेज आ जाएगा। केडी इक्वल टू देखिए आई वन माइनस टी तो है ही है जैसे था, प्लस आरबी माइनस एस बी बाई एन। आरबी है रिडीमेबल वैल्यू और एस बी है सेल वैल्यू। ओके, एन है नंबर ऑफ ईयर्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स, ये चेंज बढ़ गया आरबी माइनस एस बी बाई एन, और नीचे आरबी बाई एस बी बाई टू। वो आई तो इंटरेस्ट के लिए था और टी कॉरपोरेट टैक्स के लिए था। इवन यहां पर एक अल्टरनेटिव और फॉर्मूला चलाया जा सकता है, ये भी चलाया जा सकता है और एक फॉर्मूला चलाया जा सकता है। वो फॉर्मूला होगा केडी इक्वल टू आई, आई के बाद दे देते हैं प्लस आरबी माइनस एस बी बाई एन। ओके, और ये जो टी था वन माइनस टी, ये पूरे के साथ हो जाएगा वन माइनस डिवाइडेड बाई जैसे था आर बी प्लस एस बी बाई टू। ये जो वन माइनस टी यहां पर है ये इंटरेस्ट के साथ है वन माइनस टी। इस वन माइनस टी को पूरा बाहर ले लेंगे, रिडीमेबल सेल वैल्यू के साथ भी एडजस्ट कर देंगे। तो ये भी केडी का एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो, सिर्फ टी का लोकेशन चेंज करना है। ओके, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। आई इंटरेस्ट है, टी टैक्स रेट है, आर बी रिडीमेबल वैल्यू, एस बी सेल वैल्यू, एन हो गया नंबर ऑफ इयर्स। तो दो फॉर्मूला है, आप बोल सकते हो ई रिडीमेबल का एक छोटा सा फॉर्मूला है और ये रिडीमेबल का थोड़ा सा बड़ा है। चलिए इसको इलस्ट्रेशन के हेल्प से सोल्व करने का कोशिश करते हैं। यहां देखिए एक इलस्ट्रेशन रख दिया आपके सामने, कोई जिंदल स्टील लिमिटेड है, 30,000, 10%, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। डिवेंचर इशू करेगा 100 ईच, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन देखिए 2% है और कंपनी का टैक्स रेट 40% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। इसमें और एक जोड़ देते हैं, एट 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। केडी इक्वल टू आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी, वेयर आई इक्वल टू इंटरेस्ट, टी टैक्स,
एनपी नेट प्रोसीड। ओके, ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट आई वन माइनस टी बाई एनपी। अब इसको हम लोग रोमन वन लाते हैं एट पार, आई वन माइनस टी एनपी। आई इक्वल टू देते हैं 100 का डिबेंचर 10% रेट ₹10। टैक्स रेट देखिए 40% है। नेट प्रोसीड 100 का डिबेंचर 2% खर्चा, दैट इज 90। ओके, अब इसको फिलअप कर देते हैं, आई के जगह देते हैं 10, 1 माइनस 0.40, नीचे आ गया 98। तो ऊपर हो गया आपका 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 98, 0.0612, दैट इज 6.12%। ओके, तो अगर हम एट पार में इशू करते हैं आई टैक्स, ये तो फिक्स रहेगा, 100 का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट 98। इसी को थोड़ा सा एट 10% प्रीमियम करते हैं, एट प्रीमियम 10%, के डी आई वन माइनस टी एन पी। आई बराबर तो भाई 100 का 10% 10 था, टी 40%, नेट प्रोसीड 100 का डिबेंचर ₹10 प्रीमियम माइनस 2% ऑफ 110, 100 का डिबेंचर ₹10 प्रीमियम 110, 110 का 2% ₹2.20, 107.80। फिलअप करते हैं 10, 1 माइनस 40, 107.80। ठीक है, 0.0557, दैट इज 5.57%। ओके, और एक आपको डिस्काउंट बढ़ा दिए थे, 10% डिस्काउंट बना दिए थे, तो उसको भी ले लेते हैं एट डिस्काउंट 10%। आई वन माइनस टी एन पी, आई बराबर 100 का 10% ₹10, टी तो आपका 40 था ही, नेट प्रोसीड 100 का डिबेंचर ₹10 डिस्काउंट 90, 2% ऑफ 90, ठीक है 88.20। इसको ले आते हैं, आई ले आते हैं ₹10, 1 माइनस 0.40, 88.20, 0.0680, 0.0680, दैट इज 6.8%। ओके, तो देखिए यहां पे आई तो ₹10 रखे हैं, एनपी चेंज हो जा रहा है, एट पार में ₹100, 2% माइनस 98, प्रीमियम में 100 प्लस 10, 2% ₹2.20 माइनस ₹107.80, डिस्काउंट में 100 माइनस 10 90, फिर उसका 2% 88.20। इस तरह आपका केडी आ गया, ये हो गया ई रिडीमेबल का। और उसके साथ एक करते हैं रिडीमेबल का, यहां देखिए टर्बो लिमिटेड 1000 15% डिवेंचर फेस वैल्यू ₹100। रिडीमेबल के लिए 7 इयर्स होगा, डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट 5%, फ्लोटेशन कॉस्ट 1%। यहां पर कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, 35% टैक्स रेट, के डी आई वन माइनस टी आर बी माइनस एस बी बाई एन। ओके, आर बी प्लस एस बी बाई
आई इक्वल टू इंटरेस्ट। 100 का डिबेंचर 15% रेट, तो इंटरेस्ट हो गया 15। टी टैक्स रेट 35%। एन नंबर ऑफ इयर्स 7। आर भी रिडीमेबल वैल्यू, एस भी सेल वैल्यू। तो यहां 100 का डिबेंचर रिडीमेबल होगा 7 साल के बाद, तो रिडीमेबल वैल्यू 100 और सेल वैल्यू 100 का डिबेंचर यहां इशू होगा 5% डिस्काउंट और 1% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 105,94। फिलअप करते हैं, इंटरेस्ट आया 15, 1 माइनस 0.35, आर भी 100, एस भी 94, लाइफ 7। 100 प्लस 94 बाई 2। ओके, ये होगा 15 × 0.65, ये होगा 9.75 प्लस, यहाँ ऊपर होगा 6 डिवाइडेड बाई 7, 0.86 कर देते हैं। नीचे होगा 194 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 97। ओके, अब ये हो गया 9.75 प्लस 0.86 डिवाइडेड बाई 97, रिजल्ट आया 0.1094, दैट इज 10.94%। ओके, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टी, आर बी माइनस एस बी बाई एन, आर बी प्लस एस बी बाई 2। आर बी हो गया रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपया, एस बी 100 का है 5% डिस्काउंट, 1% फ्लोटेशन कॉस्ट 94। 7 ईयर्स बोला हुआ था, टैक्स रेट 35, 15% रेट था, 15 रुपया इंटरेस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का, कॉस्ट ऑफ डेट का ये थ्योरी विथ इलस्ट्रेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।